नमस्कार, स्वागत है आपका फिल्मी बीट में। आपके साथ मैं हूं दीपिका नयार। आलोक नाथ पर रेप और यौन शोषण के कई आरोप लग चुके हैं, लेकिन अब इस मामले पर नया मोड़ आया है। दरअसल हिमानी शिवपुरी ने आलोक नाथ को लेकर बड़ा बयान दिया है। जी हां, वही हिमानी शिवपुरी जो आलोक नाथ की कई फिल्मों में उनकी को स्टार तक रह चुकी है। जानी मानी अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी ने कहा कि इंडस्ट्री को आलोक नाथ के शराबी और दोहरे व्यक्तित्व के बारे में हमेशा से पता था। शिवपुरी ने कहा कि आलोक नाथ का व्यवहार शराब पीने के बाद एकदम बदल जाता था। इंटरव्यू में हिमानी शिवपुरी ने कहा कि अगर उन्होंने ऐसा किया है तो ये काफी बुरा है। आप अपनी शक्ति के दम पर किसी महिला को उसकी मर्जी के बिना कुछ करने पर मजबूर नहीं कर सकते, ये महिलाओं के लिए मुश्किल है। शिवपुरी ने आगे उदाहरण देते हुए कहा कि दिन में शूट करते वक्त आलोक नाथ ठीक रहते थे, लेकिन शराब पीने के बाद वो जैकिल और हाइड की तरह हो जाते थे। इतना ही नहीं, हिमानी शिवपुरी ने कहा कि मैंने कई अभिनेत्रियों से सुना है कि आलोक नाथ के साथ काम करना उनके लिए कठिन था। हिमानी ने बताया कि आलोक नाथ का खराब बर्ताव उन्होंने एक फ्लाइट में देखा था, साथ ही एक बार फ्लाइट में गलत बर्ताव के लिए उन्हें उतारा भी गया था। सभी को मालूम है कि वो कैसे इंसान है। आपको बता दें कि हिमानी शिवपुरी आलोक नाथ के साथ परदेश, कभी खुशी कभी गम और हम साथ साथ हैं जैसी कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं। लिहाजा हिमानी शिवपुरी आलोक नाथ के बारे में सब कुछ अच्छे से जानती थी। आपको बता दें कि आलोक नाथ पर अब तक कई आरोप लग चुके हैं। सबसे पहले विंता नंदा ने आलोक नाथ पर रेप का आरोप लगाया था। इसके बाद संध्या मृदुल ने भी यौन शोषण का आरोप लगाया था और हाल ही में आलोक नाथ पर कल एक और आरोप लगा है। बहरहाल यौन शोषण और रेप के मामले में आलोक नाथ की मुश्किलें बढ़ गई है। देखना होगा आलोक नाथ इस पूरे मामले पर कब तक सफाई देते हैं। खैर, हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बाकी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।